वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैंने ऑर्डर किया है NGT का इरिडियम स्पार्क प्लग फॉर माय एल्ट्रॉस। तो आज आपके मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं। सो दिस इज़ द स्पार्क प्लग फाइनली। तो ये आप देख सकते हो कि BS6 रेडी है, तो ईजिली एल्ट्रॉस में सूटेबल है ये, क्योंकि एल्ट्रॉस भी BS6 है। तो आप ये अगर आपको भी ये ख़रीदना है तो देखो ये आप मॉडल नंबर नोट कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इसका। तो इस बॉक्स में हमारे को फोर स्पार्क्स मिलेंगे, बट हम यूज़ सिर्फ तीन ही करेंगे। तो गाइस मैं जैसा आपको बताया कि ये वाले स्पार्क प्लग क्यों लगेंगे, तो देखो आप इसमें गैप लिया है, लिखा है 0.9 mm। ओके, सो अगर आप अपने एल्ट्रॉस का ओनर मैनुअल देखोगे तो पेज नंबर 175 पे पूरा स्पार्क प्लग के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है कि कौन सा लगेगा। तो ये देखो इसमें जो स्पार्क प्लग का गैप है आपका वो 0.8 से 0.9 mm तक लग सकता है। तो ये देखो पूरे कंपेटिबल है 0.9 mm के साथ। सो ये देखो जो गैप होता है वो कहाँ होता है, देखो जब आप ये स्पार्क प्लग को देखोगे, अभी दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में। तो जो यहाँ पे जो आपका स्पार्क है वो इग्नाइट होता है, तो इग्नाइट होने के बीच में ये इस मेटल में, ये इरिडियम मेटल है आपका जो नीचे वाला है, इसमें और इसमें जो गैप होता है वो 0.9 mm या 0.8 mm रहना चाहिए, तभी आपके स्पार्क प्लग्स काम करेंगे आपकी कार में। तो ये देखो मैं गैप ये वाला इस चीज़ की बात कर रहा था, ये देखो आपको हल्का सा गैप दिखा ना, जो पिन है और जो नीचे ये रेडियम का मेटल है, इसको ये 0.9 mm का रहना चाहिए। तो ये देखो ये NGT का जो स्पार्क प्लग है आपका रेडियम का, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए सीधा चलते हैं टेक्नीशियन के पास और इसको फिट करवाते हैं अपनी अल्ट्रॉज में। नहीं इसमें NGK के नहीं है, इन्होंने पता नहीं कौन से बेकार क्वालिटी के दिए हुए हैं, देखना अभी खुद लग जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि हम तीन यूज करेंगे क्योंकि अपना तीन सिलेंडर है, तो तीन स्पार्क प्लग ही लगेंगे अपनी कार में। तो अभी ये स्पार्क प्लग को निकालते हैं अभी हम लोग। ये हमारा चैंपियन का जो स्टॉक स्पार्क प्लग है एल्ट्रॉस में पहले जाता है, ये है वो। सो फाइनली तीनों स्पार्क प्लग निकाल दिए हमने स्टॉक वाले, और जो हमने NGK का इरिडियम वाला लिया था वो हमने इंस्टॉल कर दिया। तो भाई चलो अब इसको हम स्टार्ट करके भी देख लेते हैं, स्पार्क प्लग लगा तो दिया हमने, अब देखते हैं स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है। तो ठीक है स्टार्ट हो गई है, एक बार RPM मीटर पे नज़र में रख लेते हैं। तो RPM मीटर एकदम नॉर्मल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, हाँ तो ये मतलब कॉम्पेटिबल है इसके साथ। तो गाइस देखो आज डेट है 21 जुलाई, ठीक है, और अभी देखो ओडोमीटर की रीडिंग देख लो आप कितनी हो गई है, 18,956, ठीक है। तो अभी देखो मैं एकदम से तो अभी घर जाऊंगा, घर यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर, तो इसमें पता नहीं लग पाएगा इसकी परफॉर्मेंस का कि सही में कुछ चेंज भी आया है कि नहीं आया है। तो आप बस 1 किलोमीटर नोट कर लो एक बार, मैं अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर बाद आपको अपने जजमेंट बताऊंगा कि क्या कुछ इफेक्ट हुआ है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग ड्राइव तो करना ही पड़ेगा तभी लगेगा पता इफेक्ट का। तो चलो थोड़े दिनों बाद मिलते हैं, तो आई विल लेट यू नो कि सही में फ़ायदेमंद भी है या लगाना या नहीं। तो यार गाइज मैं वैसे तो अभी 1 ही किलोमीटर आया हूँ, लेकिन मैं गलत था वैसे, मतलब 1 किलोमीटर चलाने में इसको जो तो अभी स्पार्क प्लग लगाया ना इसमें फ़र्क पता लग गया है वैसे। तो ये देखो अभी मैं इसमें चढ़ाई में हूँ, तो मतलब बहुत चीज़ों का लग गया है पता। तो बट एज आई प्रोमिस कि मैं थोड़ा 500 किलोमीटर के बाद ही रिव्यू दूंगा, तो तब तक क्या है कि बस वीडियो थोड़ा लेट आएगा और क्या, सो वेट फॉर देट।
सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक लॉन्ग ड्राइव के साथ आपको रिव्यू दूंगा पूरे स्पार्क प्लस का, तो देखो आप देख सकते हो अभी जस्ट मैं कितना 500 किलोमीटर रख लो ये ट्रिप करके आ रहा हूँ। और देखो लास्ट टाइम कुछ 18,000 समथिंग था ना, अभी देखो 19,449, तो ऑलमोस्ट मैंने 500 किलोमीटर चला दी है। तो भाई चलो बात करते हैं कि स्पार्क प्लग की कि कितना एफिशिएंट है या नहीं है, फ़ायदा है कुछ लगाने का या नहीं। तो गाइज अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं तो एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर जैसे लॉन्ग रन पे जाओगे तो आपको इतना इफेक्ट नहीं लगेगा पता, क्योंकि जैसे पहले कार चलती थी सेम वैसे ही चलेगी। तो जो इसका फ़र्क है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा इंक्लाइंस में। जैसे कि मैं इसको इंक्लाइन में मान लो कि पहले जो पुराने स्पार्क प्लग था उसका चलाता था, मान लो सेकंड गियर में चल रहा हूँ और इसका आरपीएम कम हो रहा है तो गाड़ी एकदम से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाती थी। लेकिन अब क्या है कि उसी चढ़ाई में ये एनजीके रिडियम के साथ अगर मैं चल रहा हूँ तो फिर ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही है, नॉर्मल स्मूथली चल जाती है। तो इसका जो इनिशियल थोड़ा पिकअप है ना वो बढ़ गया है और जो वाइब्रेशन से बिल्कुल कम हो गई है। तो बस यही एक फ़र्क है जो मेरे को लगा कि लो आरपीएम पे आपकी कार अब लेस वाइब्रेट होगी। और बात करें एवरेज की तो शायद ये भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है बट थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। तो ये आपको इंक्लाइन में फ़र्क एकदम से लग जाएगा पता अगर आपको एकदम से पिकअप चाहिए तो। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहाड़ों से हैं या हिल्स में या फिर ऐसे इंक्लाइन में रोज चलाते हैं तो दिस इज़ अ गुड स्पार्क प्लग, तो आप चेंज कर सकते हैं और आपको इफेक्ट एकदम से पता चल जाएगा। बट जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग रन में ये इतना इफेक्टिव नहीं है। सो बस यही एक चीज़ है जो मुझे दिखी इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।